नमस्कार साथियों, मैं हूं मेघराज और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, काफ़ी फ्रेंड्स की एक दिक्कत आ रही थी कि भैया हमारा स्मार्टफोन है, उसका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है, तो हम जानना चाहते हैं कि हम अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट की स्पीड को किस प्रकार इंक्रीज करें या किस प्रकार बढ़ाएं ताकि हमारे स्मार्टफोन का इंटरनेट काफ़ी फास्टली चल पाए। अगर दोस्तों आपकी भी यही प्रॉब्लम है, आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट काफ़ी स्लो चल रहा है, तो आप हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले, काफी कुछ नया जानने को मिले। दोस्तों, इस वीडियो को आप जरूर देखें, ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है और इस वीडियो में जो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताऊंगा, जो तरीके मैं आपको बताऊंगा, वह आपको काफी ज्यादा काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कराया फ्रेंड्स, तो नीचे दिख रहे रेड कलर बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कुछ नया सीख सकें। तो आइए देखते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे को दबाएं, ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपके स्मार्टफोन का इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा स्लो चल रहा है तो आप उसे किस प्रकार फास्ट करेंगे, किस प्रकार अपग्रेड करेंगे। दोस्तों, क्या होता है कि आजकल बारिश के दिन हैं और बारिश के दिनों में इंटरनेट काफ़ी स्लो चलता है लोग बागों का, या फिर काफ़ी बार नेटवर्क एरियाज में, पर्टिकुलरली किसी ऐसा नेटवर्क एरिया हो जाता है जिस एरियाज के अंदर नेटवर्क प्रॉपर नहीं मिल पाते हैं, उस स्थिति में भी हमारा इंटरनेट स्लो चल पाता है। साथ ही कुछ ऐसे सेटिंग्स, कुछ ऐसे हिडन फीचर्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप अपने स्मार्टफोन के इंटरनेट की स्पीड को फास्ट एंड बूस्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप भी अपने इंटरनेट की स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं या फिर फास्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कम्प्लीटली ज़रूर देखें। इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ नया देखने को मिलेगा, काफ़ी कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो आप हमारी इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाना होगा। देखिए, यहां पर हमारे पास ये सेटिंग ऑप्शन नजर आ जाता है। आपको अपने स्मार्टफोन में सेटिंग ऑप्शन के अंदर जाना है। सेटिंग ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर जो एक कनेक्शन सेटिंग्स होता है, इस ऑप्शन पर जाना होगा। दोस्तों, इस ऑप्शन पर सबसे पहले आपको क्लिक करना होगा। यहां पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ स्टेप से विंडोज़ आ जाती है। इसमें आपको अपने स्मार्टफोन में मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर जाना होगा। मोबाइल नेटवर्क वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको हर एक वीडियोस में बताता हूँ, अगर आप कैसे एरियाज पर रहते हैं, कुछ बॉर्डर्स के तौर पर आप रहना चाहते हैं या रहते हैं, जैसे कि आप MP UP बॉर्डर पे हो, कोई से भी बॉर्डर पे आप रह रहे हो, उस स्थिति में आपका डेटा रोमिंग की प्रॉब्लम होगी तो आप डेटा रोमिंग को हमेशा अनेबल रखें, अदरवाइज आपका इंटरनेट काफ़ी स्लो चलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको अपने स्मार्टफोन में ये जो ड्यूअल वोल्टेज सिम है, इसको ऑप्शन को अनेबल रखना है। यहाँ पर दोनों को आपको ऑटो पर क्लिक करना है। साथ ही अपने स्मार्टफोन के अंदर आपको यहाँ पर जो ये यूज़ है, यूज़ मोबाइल डेटा ड्यूरिंग कॉल्स, इसको अनेबल रखना है, क्योंकि अगर आपके पास किसी का कॉल आता है तो उस समय भी आपका इंटरनेट चलता रहे, इसलिए इसको हमेशा अनेबल रखें। चलिए, अब मैं आपको नेक्स्ट जो बता देता हूँ वह दोस्तों हमारे सामने यहाँ एक्सेस पॉइंट नेम है। आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पहले मैंने आपको ये वाली सेटिंग्स बताई थी जो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी, आपका इंटरनेट काफ़ी ज़्यादा फास्ट चला होगा। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद यहाँ आपको लिखना है जियो 5G, लिख के ओके कर दें। इसके बाद में APN पर आपको जाना है। APN में आपको लिखना है जियो नेट। इसके बाद में प्रॉक्सी आपको कुछ नहीं डालना है, पोर्ट के अंदर कुछ नहीं डालना है, यूज़र नेम में आपको डाल देना है जियो 5G, बिना स्पेस दिए जियो 5G डाल दें। पासवर्ड आपको कुछ नहीं डालना है और सर्वर भी आपको कुछ भी नहीं डालना है, सर्वर के अंदर केवल और केवल जियो नेट आप लिख दें। इसके बाद में MMSC पर आपको कुछ नहीं डालना है, MMS प्रॉक्सी पर कुछ नहीं डालना है, पोर्ट में कुछ नहीं डालना है, MCC और MNC पर जो एज इट इज़ आए हैं वह लिखे रह दें। यहाँ पर आपको जाना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑथेंटिकेशन टाइप पर आपको जाना है। ऑथेंटिकेशन टाइप में आपके सामने यहाँ पर एक ये पॉप एंड नीचे वाला जो ऑप्शन होता है PAP एंड CHAP, ये आपको डालना है।
APN टाइप के अंदर डिफॉल्ट रहने दें, इसको चेंज ना करें। APN प्रोटोकॉल के अंदर आपको जाना है और यहाँ पर आपको IPv4 एंड IPv6 को सेलेक्ट कर लेना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पर आपको जाना है और यहाँ पर भी IPv4 एंड IPv6 को सेलेक्ट कर लें। फिर आपको यहाँ पर बैरियर्स पर जाना है। बैरियर्स पर जाने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर अनस्पेसिफाइड को हटाकर यहाँ पर जो जो मैं टिक कर रहा हूँ इन ऑप्शन को आप टिक कर दें। इनको टिक करने के बाद दोस्तों आप ओके बटन पर प्रेस कर दें। उसके बाद में आपको अपने स्मार्टफोन के अंदर मोबाइल को जो एक ये ऑप्शन आ जाता है मोबाइल वर्चुअल नेटवर्क टाइप्स, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको नन पर क्लिक कर दें। ऐसा करने के बाद आपको फ़िलहाल यहाँ पर जाना है और यहाँ पर जाने के बाद दोस्तों इसे आप सेव कर दें। सेव करने के बाद फिर आप इसको इंटरनेट के तौर पर यूज़ में लें सेटिंग्स को जियो 5G वाली को, तो आपका इंटरनेट काफ़ी फास्ट स्पीड से, काफ़ी शानदार स्पीड से आपका इंटरनेट चलेगा। तो इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो करें। अगर दोस्तों आपको पता नहीं है कि आपके किस सिम के अंदर नेट की स्पीड क्या है, किसके अंदर क्या है, ये जानने के लिए आप हमारी पिछली वीडियो ज़रूर देखें। उनमें मैंने आपको बताया है कि आप सिग्नल स्ट्रेंथ को चेक करें कि कौन से सिम में इंटरनेट आपका फास्ट चलेगा, तो वो जानकारी के लिए आप हमारे पिछली वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। और इस वीडियो के अंदर अगर आपको काफ़ी कुछ नया सीखने को मिला हो, काफ़ी कुछ नया जानने को मिला हो, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का प्रेम पूर्वक दिल से हार्दिक अभिनंदन। थैंक यू वॉचिंग इन दिस वीडियो।